इस्लामिक आतंकवाद का जहर बेगुनाह लोगों की जान ले रहा है। पैगंबर मोहम्मद साहब की कार्टून दिखाए जाने पर टीचर की गला रेत कर हत्या कर दी गई। इसकी चौतरफा निंदा भी हुई, लेकिन इस्लामिक चरमपंथी को पालने वाले तुर्की और पाकिस्तान ने खुलकर हत्या और हत्यारे का समर्थन किया। इसके बाद नीस शहर के चर्च में हमला हुआ। इस हमले में करीब 3 लोगों की हत्या हो गई थी, जिसमें एक महिला को गला काट कर मारा भी गया था। बता दें, फ्रांस में चर्च पर पिछले 72 घंटे में हमले की दूसरी सबसे बड़ी वारदात सामने आई है। शनिवार को लियोन शहर में शॉटगन से लैस एक बंदूकधारी ने ऑर्थोडॉक्स पादरी को गोली मार दी थी। हमले में घायल ग्रीस की नागरिकता वाले पादरी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक नजदीक से गोली मारने के कारण पादरी को गंभीर चोट आई है। हमलावर अब भी पुलिस की पकड़ से फरार बताए जा रहे हैं। फ्रांस में चर्च पर पिछले 72 घंटे में यह सबसे दूसरी बड़ी वारदात हुई है। वही फ्रांस के आंतरिक मंत्रालय ने ट्वीट किया कि दक्षिण पूर्वी शहर लियोन में यह घटना हुई है। सुरक्षा और आपातकालीन कर्मी इस घटना स्थल पर हैं। मंत्रालय ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों से घटनावाजी जगह से दूर रहने की अपील की है। आंतरिक मंत्रालय ने अभी तक ये जानकारी नहीं दी है कि हमला आतंकवाद से संबंधित है या किसी आपसी रंजिश में अंजाम दिया गया है। 3 दिन पहले ही गुरुवार की सुबह 21 साल के ट्यूनिशियाई मूल के आतंकी ने नीस के चर्च पर चाकू से हमला कर दिया था। इस हमले में करीब 3 लोगों की मौत हो गई थी। बाद में पुलिस ने मुठभेड़ में हमलावर को गोली मार दी थी। बता दें, नीस के मेयर ने बताया कि जब हमलावर को गोली लगने के बाद प्राथमिक उपचार दिया जा रहा था, तब उसने अल्लाह अकबर चिल्लाया था। फ्रांस में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के कारण शुक्रवार को दूसरे लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, लेकिन सरकार ने सोमवार तक के लिए पूजा स्थलों को इसकी छूट दी थी। इसी कारण बड़ी संख्या में लोग रविवार को ऑल सेंट्स डे मनाने की तैयारियों में जुटे थे, लेकिन इन हमलों के बाद पूरे फ्रांस में अलर्ट के स्तर को बढ़ा दिया गया है। नीस शहर के चर्च में चाकूबाजी करने वाले आतंकी के तीसरे सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही फ्रांसीसी बीएमएफ टीवी के रिपोर्ट के मुताबिक इस संदिग्ध आतंकवादी को शुक्रवार को हिरासत में लिया गया। पकड़ा गया 33 साल का ये शख्स पहले से गिरफ्तार एक अन्य आतंकी का रिश्तेदार है। पुलिस की छापेमारी के दौरान इसे अपने घर से पकड़ा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।